Ciao, ce vești? इस दफ़ा फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएट है। हम लोग बहुत खुश हैं। बेसिकली मैं अताबाद की हूँ। यहाँ पे कई दिनों से यहाँ की आवाम बहुत मेहनत कर रही है, इस पे काम कर रही है। बेशक यहाँ ठंड बहुत है, हवाएं चल रही है, और हमें लगता है इस तरह के जो, क्योंकि सर्दियों में कोई इस तरह के इवेंट्स नहीं होते थे और लोग आते नहीं थे। इस तरह के अगर इको सस्टेनेबल टूरिज़म डेवलप किया जाए इस रीजन में तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसमें जैसे कि कोई लोकल गेम्स भी हो रहे हैं, तो ये गेम्स जो पहले नहीं हो रहे थे और फिर अब नहीं चल रहे थे, वो दोबारा लोगों को पता चलेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले मीडिया के तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे आए इस इवेंट की कवरेज के लिए। आज 7 डेज अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हुआ है। 1 जनवरी को इसका बाकायदा आगाज़ हुआ था। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में आइस हॉकी, लोकल गेम्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ से हमने इसका आगाज़ किया था। मकसद हमारा ये था कि विंटर टूरिज़्म को फ़रोग दिया जाए और पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को पैगाम दिया जाए कि गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ समर्स डेस्टिनेशन नहीं है, ये विंटर डेस्टिनेशन भी है, विंटर में भी एक्सेसिबल है। तो 7 डेज़ के कॉन्सेप्ट के तहत जो हमने खेलों का इनेकाद किया था 1 जनवरी से, उसका आज फाइनल का पहला डे अताबाद झील के किनारे आज ये सजा है। तो 15-16 को अताबाद झील पे हैं और 17-19 इंशाल्लाह यहाँ से कोई 4-5 किलोमीटर मजीद डीप जाएंगे वैली में, और गुलकिन गांव में होगा जहाँ पे आपको कल्चर भी नज़र आएगा, जहाँ पे गेम्स भी होंगे, जहाँ पे लोकल गेम्स भी होंगे, जहाँ पे म्यूज़िक भी होगा, और भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्पेक्टेटर्स के लिए और टूरिस्ट के लिए हमने वहाँ पर अरेंज किए, वो इसको इंजॉय करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूं कि जो गिलगित बल्तिस्तान में आएगा वो विंटर्स को इतना ही बेहतर पाएगा, विंटर्स टूरिज़्म को इतना ही अट्रैक्टिव पाएगा जितना यहां पे समर्स में पाया जाता है। Thank you.